ASUS ने आज अपने तीन कैमरा सेंट्रिक फोन लॉन्च करे हैं, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Selfie डुअल कैमरा वर्जन और ZenFone 4 Selfie Pro। जानते हैं इन्हीं तीन फोन्स के बारे में वेरी क्विकली। मैं हूं श्रुति शर्मा, आप देख रहे हैं टेक टॉक। ये है ASUS का ZenFone 4 Selfie Pro और आप देख सकते हैं आज ही ये फ़ोन लॉन्च हुए हैं और एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं ये टेक तक पर। डिज़ाइन की बात करें तो इट्स अ प्री स्लीक फ़ोन एंड इट्स मेटल बॉडी फ्रॉम बैक एंड इट हैज़ अ 2.5D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। साथ ही साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है फ्रंट में, विच इज़ प्रिटी रिस्पॉन्सिव। यू कैन सी दैट जैसे ही आप इसको टच कर रहे हैं द रिस्पॉन्स इज़ प्रीटी फास्ट एंड कंपनी का कहना है कि द रिस्पॉन्स टाइम इज़ बेसिकली 0.2 सेकेंड्स व्हेन यू काइंड ऑफ अनलॉक इट, विच यू कैन इवन सी, सो विच इज़ वेरी फास्ट। और साथ ही साथ ऑब्वियसली सेल्फी प्रो है तो सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन है ये। अब कैमरा की बात करें तो जो मेन कैमरा है दिस इज़ 24 मेगापिक्सल विद द डुअल पिक्सल कैमरा टेक्नोलॉजी एंड इट हैज़ IMX362 सेंसर, आप देख सकते हैं, एंड इट हैज़ अ वेरी लार्ज पिक्सल सेंसर, आप देख सकते हैं। अगर मैं सेल्फी भी खींच रही हूँ इसमें पोर्ट्रेट मोड में इन अ सेल्फी कैमरा ऑन, यू हैव अ वेरी नाइस डेप्थ इफेक्ट। सो सिंस इट्स अ सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन यू कैन सी द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट इट इज़ गिविंग। यू कैन ट्राई क्लिक वन पिक्चर ऑल्सो and this is how the picture fares. The picture is pretty decent, very nice and accurate colors. Screen size iska hai 5.5 full HD AMOLED display and saath hi saath 120 degree wide FOV 5 megapixel secondary front camera diya gaya hai and peeche aap dekh sakte hain rear camera, this is 16 megapixel, इट्स सोनी IMX351 सेंसर एंड इसमें 4K रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। प्रोसेसर की बात करें सो इट हैज़ ऑक्टोकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। सो लेट्स गो टू द सेटिंग्स एंड फाइंड आउट व्हाट एल्स इज देयर इन द फोन एंड यू कैन सी दैट इट रन्स ऑन एंड्रॉयड नोवा विच इज़ 7.1.1 एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी इट डज हैव वाईफाई एंड ब्लूटूथ। साथ ही साथ डिवाइस में 5 मैग्नेट स्पीकर दिया गया है विद द NXP स्मार्ट एम एंड इन टर्म्स ऑफ कलर दिस वन्स सॉफ्ट गोल्ड विच इज़ प्रीटी स्मार्ट। साथ ही साथ 3 कलर्स में इसे लॉन्च किया गया है, द वन विच आई हैव इन माई हैंड इज़ गोल्ड ऑफ कोर्स, ब्लैक एंड अ रेडिश मरून। और 4GB रैम है इसमें विद 64GB इंटरनल स्टोरेज एंड माइंड यू इट्स एक्सपेंडेबल अप टू 2TB। ध्यान देने वाली बात है दैट इट्स एक्सपेंडेबल अप टू 2TB एंड बैटरी की बात करें तो इट हैज 300 mAh बैटरी विद अ फास्ट चार्जिंग ऑप्शन एंड इट ऑब्वियसली डजंट हैव द टाइप सी एंड दैट्स हाउ द न्यू ZenFone 4 Selfie Pro लुक्स लाइक। So the second phone that ASUS ZenFone has launched, the ZenFone 4 Selfie dual camera version, or ye pro se thoda sa thick hai as you can see, and in terms of weight, well, seems to be as same as the pro, but yeah, as you can see, it's a little thicker than the pro. Aur agar features ki baat kare iski to 5.5 HD IPS display hai isme with 2.5 Corning Gorilla Glass. And it has a very sleek metallic finish body. The look is almost the same, we can see, just as the ZenFone 4 Selfie Pro, but yeah, it's a little thicker as I said. Aur baat kare iski body ki to ye sleek metallic finish mein bana hai with 5 magnet loudspeaker jo ki usme bhi hame dikhe the and these are the speaker grills. Here is the USB type and in terms of camera now, let's just get into the camera. This is the camera. It has 20 megapixel main selfie camera plus 8 megapixel secondary front camera with 120 degree wide FOV. Isme bhi portrait mode diya gaya hai, beauty live di gayi hai and beauty modification aap kar sakte hain. There's recording also, but of course it
doesn't have a 4K recording like the Pro. और पीछे कैमरा की बात करें तो इसमें रियर कैमरा है 16 मेगापिक्सल एंड अगेन विद द पोर्ट्रेट मोड इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन एंड अ LED फ्लैश. फ्रंट सेल्फी हमने आपको बता दिया था इट्स अ डुअल कैमरा सो ऑब्वियसली हैज टू कैमरास विद द LED फ्लैश एंड बैटरी की बात करें तो इट हैज 3000 mAh battery. Let's just try and get to know more about this phone. So let's go into the settings and try and know it better. Obviously, fingerprint scanner to isme diya hi gaya hai. And now let's just go and know the phone. Again, it works in Android Nougat, which is 7.1.1. And in terms of memory, well, it has 4GB of RAM and 64GB of internal storage, which again is expandable up to 2TB. So in terms of look is almost like Zenfone Pro, but yes, it is a little thicker and it works on octa-core Qualcomm Snapdragon 430. So the processor here is Snapdragon 430. It comes in three colors, or color ek jo hamare haath mein hai, which is a golden one, and a little pink and black. So this is the Zenfone 4 Selfie dual camera version for you. The Zenfone 4 Selfie phone, and this is the third phone from ASUS, and this is not as expensive as the other Pro and dual camera version. ये भी हालांकि selfie centric phone है, और front की camera की बात कर रहे हैं इसमें तो front megapixel camera is 13 megapixel with 140 degree selfie panorama mode दिया गया है, and also a portrait mode. And we can check the kind of modes that it has here with the aspect ratio also. And you can see there's a selfie panorama mode, there's beauty mode, and these are the two ones that are given in here. Aur isme rear camera jo hai wo diya gaya hai 13 megapixel camera with LED flash. This has been kept with the very basic camera features. Aur baat kare iske front display ki to this is 5.5 HD IPS display with 2.5 counter glass, and ye bhi Pro se thoda mota hai, just like it is in terms of looks same as dual camera version. Looks wahi di gayi hai isko bhi, but yes, in terms of camera it is only front and rear camera and it's not a dual camera of course. Aur sleek metallic finish hai, looks is almost same. 5 magnet loudspeaker you can see here, and front fingerprint sensor diya gaya hai with haptic feedback and 0.3 second unlock hai. It's obviously not as fast as the other ones, and it has a dual SIM accessibility with a dedicated micro SD slot. So let's just go to the settings and see what else does it have to offer. Again, it works on Android Nougat and 7.1.1 version. And in terms of connectivity, is the same. Internal memory ki baat karein, to isme 3GB RAM hai with 32GB storage. So that's the Zenfone 4 Selfie for you, which is the least priced among the three models ASUS has launched.